हेलो नमस्कार बंधु, जैसे कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में 6000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है और इसके लिए जो लोग विशेष रणनीति के साथ तैयार करेंगे केवल वही इस भर्ती में सफल हो पाएंगे। आज हम सब चाहते हैं कि सफलता हमें प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए इससे अनजान होते हैं, क्योंकि जब तक हम एक निश्चित योजना के और निश्चित व्यवस्था और निश्चित तैयारी के साथ यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपने उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने की इच्छा जाहिर की है या फिर आपने उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का सपना देखा है तो आप इस सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे कि कौन सी रणनीति के साथ आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने की प्रक्रिया में सफलता हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआई के 6000 पद, इसके अलावा आपका स्टेनो, मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट के आपके 1400 पद, टोटल 7400 पद के लिए प्रक्रिया जुलाई 2020 में प्रारंभ होने जा रही है। ये प्रक्रिया के अंतर्गत आपको सफलता प्राप्त करने तक 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये 5 स्टेप कौन कौन से हैं उनको समझिए, एक एक करके हम इन सब पर चर्चा करेंगे। पहला स्टेप होगा आपका रिटन एग्जाम, दूसरा स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा स्टेप होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चौथा स्टेप होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पांचवा स्टेप होगा आपका मेडिकल टेस्ट। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यही है, जिसने इसे क्वालिफाई कर लिया समझ लीजिए कि उसका 75% काम समाप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम आपको इस वीडियो में रिटन एग्जाम के बारे में बताएंगे कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और कैसे आप तैयारी करेंगे, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। रिटन एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होंगे और ये जो 4 सेक्शन होंगे इसमें पहला सेक्शन होगा आपका रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन होगा आपका इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का, तीसरा सेक्शन होगा आपका मैथमेटिक्स का और चौथा सेक्शन होगा इसमें आपका हिंदी का। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के आपको 24 क्वेश्चन आएंगे और लॉ के 16 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से इस पार्ट से भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। इसी तरह से आपके मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 100 नंबर के होंगे, और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो आपने देखा कि आपको 160 क्वेश्चन और 400 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इन चारों में अलग अलग आपको पास होना अनिवार्य होगा। चारों में 35-35% मार्क्स आपको अलग अलग लाने हैं। यदि आप किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं
और किसी अदर सेक्शन में यदि आपका स्कोर कम रह जाता है तो आप नॉट क्वालिफाई होंगे, अगले स्टेप के लिए नॉट एलिजिबल होंगे। तो ये तो इसका पैटर्न है सिलेबस। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में यहां पर आपको वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल और लॉजिकल चारों प्रकार की रीजनिंग आपको आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान और लॉ में भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय दहेज प्रथा अधिनियम, भारतीय एससी एसटी अधिनियम, भारत में साइबर क्राइम, भारत में जनहित याचिका, भारत में न्यायिक प्रक्रिया तथा भारत की पूर्व न्यायिक निर्णय से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा पुलिस अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की संसद, भारत की राजव्यवस्था, भारत के विधानमंडल, भारत के संवैधानिक पदाधिकारी एवं भारत में संविधान की अनुसूची, संविधान के अनुच्छेद एवं संवैधानिक प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपका जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन इसी सेक्शन में आपके शामिल होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, राजव्यवस्था, ये सारे क्वेश्चन इसी पार्ट में आपके होंगे। और मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर अर्थमेटिक ही आएगा और अर्थमेटिक आपका लॉजिकल और रीजनिंग बेस होगा। हिंदी में आपका यहाँ पर सामान्य हिंदी होगी, सामान्य हिंदी के अलावा काव्य हिंदी, साहित्य हिंदी और आपकी व्याकरण हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप दूसरे स्तर पर पहुँचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आपके अन्य आरक्षण प्रमाण पत्र यहाँ पर आपसे देखे जाएंगे और वो ओरिजिनल मूल प्रति भी आपकी यहाँ पर देखी जाएंगी। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यहाँ पर आपकी नाप तोल होगी और नाप तोल में आपकी लंबाई, आपका सीना और आपका वजन ये देखा जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए जो उत्तर प्रदेश कास्ट में, उत्तर प्रदेश एसआई में लंबाई की आवश्यकता है वह है 168 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर लंबाई की आवश्यकता है। जो चेस्ट पुरुषों के लिए वो आपका 79-84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी दौड़ होगी, दौड़ में मेल के लिए आपकी 4800 मीटर की दौड़ होगी जो कि 28 मिनट में पूरी करनी होगी। तो 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल के लिए यहाँ पर जो दौड़ होगी वो 2400 मीटर की होगी जो कि उन्हें 16 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और ये सभी टेस्ट और ये सभी चारों स्टेप आपके डिपेंड हैं इसी फर्स्ट स्टेप पर रिटन एग्जाम में। अब रिटन एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, आप जानते हैं कि जब तक आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक कंपटीशन की तैयारी नहीं होती। इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, अब इस रणनीति पर चर्चा करता हूं। तो आप सर्वप्रथम जो भी सब्जेक्ट इसके अंतर्गत स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने रीजनिंग स्टार्ट किया जनरल नॉलेज में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपका जो भी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने पार्ट उठाया या आपने मैथमेटिक्स, तो जो भी आप सब्जेक्ट उठाओ तो सर्वप्रथम उस सब्जेक्ट के आप टॉपिक को कंप्लीट कीजिए
और पहला है कि आप सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट के बाद उसके टॉपिक को कीजिए कंप्लीट, और टॉपिक को आप डीपली स्टडी कीजिए, और जब डीपली स्टडी करेंगे तो टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका कंपटीशन बीट हो जाएगा। कंपटीशन बीट करने की पहली शर्त ही यही है कि आपको टॉपिक वाइज डीपली कंप्लीट स्टडी करनी चाहिए। इन सब के लिए हमारी जो योजना है, आप हमसे जुड़ने के लिए और विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर 9758771971 पर संपर्क कर सकते हैं, या विभिन्न लिंक प्राप्त करने के लिए नाम, स्थान और अपना जो एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसे आप टाइप करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको समस्त जानकारी यहाँ से प्रदान कर दी जाएगी, और इसका ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप अपना प्ले स्टोर से ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ हमारी लाइव क्लास 15 जुलाई से शाम को 4 बजे से 6 बजे तक स्पेशल बैच स्टार्ट होगा UPSI का। इसके लिए आपको जो भी समस्या है या आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम या मार्गदर्शन या फिर आपके मन में किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।